हेलो चिल्ड्रन, आज हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपके जो फर्स्ट यूनिट का पोएम है, वेकअप पोएम है, उसके अंदर पेज 5 में एक एक्सरसाइज है जिसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि जब आपको क्वेश्चन आए तो आप बड़े आराम से कर सकिए। बहुत ही ईजी है अगर आप इसको समझ लो तो। ओके, सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए हमें दो चीज़ें समझनी है पहले, कि एक नाउन क्या होता है और एक एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन सिंपली होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़ इज अ प्लेस, सो चंडीगढ़ इज अ नाउन। सो नाउ पेन इज अ थिंग, सो पेन इज अ नाउन। पर्सन, नरेंद्र मोदी जी इज द नेम ऑफ अ पर्सन। सो नेक्स्ट इज वॉट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। सो नाउ द वर्ड विच डिस्क्राइब्स इज दिस इज अ ब्लू पेन। सो द वर्ड ब्लू विल बी द एडजेक्टिव, ये इस पेन का कलर बताता है। ओके, सो दिस इज अ वाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड है जिसपे मैं लिख रही हूँ, इट इज अ वाइट बोर्ड। तो जो बोर्ड है उसके बारे में बता रहा है कि उसका कलर क्या है। सो वाइट इज द एडजेक्टिव। अब यहाँ पे मैंने नाउन का भी एक एग्जांपल लिखा है और एडजेक्टिव का भी एक एग्जांपल लिखा है। सो इन दिस व्हाट इज द नाउन, दिस इज अ बोर्ड। सो व्हाट इज द नाउन हियर, नेम ऑफ द थिंग, बोर्ड इज द नाउन। नाउ अगेन हियर आई हैव रिटन दिस इज अ वाइट बोर्ड, सो बोर्ड अगेन इज नाउन। ओके, बट द वर्ड विच इज डिस्क्राइबिंग, जो बोर्ड के बारे में हमें और बताता और ज़्यादा जानकारी देता है, वो क्या है, वो ये वर्ड है कि वो वाइट कलर का बोर्ड है। तो दिस इज द एडजेक्टिव, दिस इज द एडजेक्टिव। आई होप इट इज क्लियर। जो नाउन के बारे में बताता है, ज़्यादा जानकारी देता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और नाउन होता है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउ चिल्ड्रन, मेरे को एक बुक मिली जिसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे, तो मैं आपको उसमें से और जानकारी देती हूँ। आई विल टीच यू फ्रॉम दिस बुक, द नेम ऑफ द लेसन इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो दे से यू नो एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब पीपल, एनिमल और थिंग्स। ओके, सो पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स। नाउ व्हाट आर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, दे आर नाउन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसके बारे में और जो जानकारी देते हैं, वो वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ एडजेक्टिव टॉक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द नाउन, मीन्स नाउन क्या है, पीपल, एनिमल, थिंग्स और प्लेसेस के बारे में बताता। फॉर एग्जाम्पल, जो नाउन है हमारा वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, टॉल है, फैट है, गुड है, बैड है, स्मॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट वी विल रीड द एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज क्लाउडी, दिस इज एडजेक्टिव। ओके, देन फनी, वाइल्ड, स्ट्रेट, क्लीन, सॉर मतलब खट्टा। ओके, एंड फॉर एग्जांपल लेमन, देन लेमन और पिकल, then new and empty। so ये सारे adjectives दिए हुए हैं and they are asking us to fill with nouns। now you can see some pictures here। so cloudy is the sky, cloudy sky, ठीक है। और then funny कौन है, joker, joker, joker। wild, animal। straight, what is straight, you can say straight is straight road। clean, room। sour, lemon। then new, what is new for you, new books, aapke paas new books hai। and empty, what is empty, empty bag। okay, now some adjectives are used to compare the qualities of person, animals, of thing।
कंपेयर मतलब एक दूसरे की तुलना करना, तो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एक दूसरे की तुलना करता है, वो मेरे से बड़ा है, ही इज़ बिगर देन मी, ओके। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव दैट आर यूज टू शो कंपैरिजन आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपके जो यूनिट वन है वेकअप पोएम में, उसमें एक एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कुछ आपको ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, कुछ भरे हैं नहीं भरे हैं, बट यू आर नॉट टोल्ड वॉट दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, किसी एक के साथ करना या ज़्यादा के साथ करना, ओके। सो वॉट यू आर एक्चुअली स्टडिंग देयर इज, यू आर स्टडिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपको दो चीज़ें चाहिए समझनी है, नाउन और एडजेक्टिव, ओके ओके। So you know that the name of a person, place or thing is called a noun, and the word which describes a noun is the adjective. So I will give you some more examples from this book which I have. Now see here, now the simple form of the adjective is known as a positive degree. Iske teen degrees hote hain, degrees of comparison mein positive first hai, then comparative and then superlative, positive, comparative, superlative. और जब हम इसको लिखते हैं तब भी positive, comparative and superlative ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या है positive, comparative, superlative? Positive हम बात करेंगे only one चीज़ के बारे में, जैसे ये one girl है या one boy है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो we will say it is a positive degree. When we are talking about two girls or two boys or two children, हम दो girls के बारे में बात कर रहे हैं, दो boys के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो comparative है, हम comparison कर रहे हैं, okay? Then superlative होता है जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अलग अलग हैं, तो ये हो गया सुपरलेटिव, ओके। पॉजिटिव में एक की बात करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो जनों की बात करेंगे, दो चीज़ों की बात करेंगे, दो जगहों की बात करेंगे, और जो सुपरलेटिव है उसमें दो से ज़्यादा की बात करेंगे। सो वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या क्या हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में हम एक चीज़ की बात करेंगे, कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की बात करेंगे, और सुपरलेटिव में मोर देन टू थिंग्स, ओके। आई होप आई एम क्लियर। सो अब हम थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे सी फर्स्ट एग्जांपल इज नयन इज़ अ क्लेवर बॉय। यहाँ पे सिर्फ नयन की बात की जा रही है, और नयन के बारे में क्या कहा जा रहा है, नयन इज़ अ क्लेवर बॉय, ओके। सो दिस इज़ द एडजेक्टिव, बॉय के बारे में बता रहा है, कौन सा बॉय, नयन, ओके। दिस इज़ अ फास्ट कार, कार इज़ द नाउन, ओके। यहाँ पे बॉय नाउन था, यहाँ कार नाउन है, और दिस इज़ अ फास्ट कार, ये फास्ट जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है, ओके, ये एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव डिग्री भी है। दिस इज़ अ टॉल बिल्डिंग, टॉल इज़ द एडजेक्टिव, एंड वो एक ही बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, ए बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए टॉल। और ये जो तीनों वर्ड्स हैं, क्लेवर, फास्ट, टॉल, दे आर पॉजिटिव डिग्री, इसको फर्स्ट डिग्री भी बोला जाता है। द एडजेक्टिव दैट हेल्प कंपेयर टू पर्सन, एनिमल्स और थिंग आर सेट टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, ये सेकेंड डिग्री है। अब यहाँ पे दो जनों की कंपैरिजन होगी, फरहान इज क्लेवरर देन नयन। अब दो बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि फरहान जो है ज़्यादा चलाक है नयन से, ओके। नेक्स्ट इज दैट कार, वो वाली कार इज फास्टर देन दिस कार, ये वाली कार से वो वाली कार ज़्यादा फास्टर है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लगता जा रहा है, हर एक के पीछे ER लगेगा, जो भी सेकेंड डिग्री होती है उसमें ER लग जाता है, ठीक है। ये क्लेवर था, सेकेंड डिग्री में क्लेवरर, फास्ट, फास्टर, टॉल, टॉलर, द बिल्डिंग देयर इज टॉलर देन दिस, वहाँ वाली बिल्डिंग
जो है वो बहुत मतलब दोनों बिल्डिंग में से जो वहाँ वाली बिल्डिंग है वो ज़्यादा टॉलर है. ओके, देन नेक्स्ट इज थर्ड डिग्री जिसको सुपरलेटिव कहते हैं. सुपरलेटिव मीन्स जिसमें हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं. ओके, तो श्रीनाथ इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय, मतलब सारे जो बॉयज़ हैं उसमें से श्रीनाथ इज़ द क्लेवरेस्ट, सबसे चलाक, उससे चलाक कोई हो ही नहीं सकता, सुपरलेटिव डिग्री है. ओके, और दिस का हिज कार इज़ द फास्टेस्ट इन द लॉट, और उसकी जो कार है वो सबसे तेज चलती है, मतलब जितनी भी कारें हैं उसमें से सबसे तेज श्रीनाथ की कार है. ओके, द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज़ द टॉलेस्ट, जो गली के एंड में जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग सबसे टॉलेस्ट है. अब इसमें देखो सुपरलेटिव डिग्रीज में आपको क्या दिख रहा है, EST लगा हुआ है, ये देखो EST. ओके, सेकेंड डिग्री जो था हमारा कंपैरेटिव में ER लगता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें EST लगता है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ. ग्रेट, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ER लगेगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. सुपरलेटिव में EST, कंपैरेटिव में ER. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, LAZY, ZY, ZIEST, सॉरी, LAZY, लेजी, LAZIER, लेजियर, LAZIEST, लेजीएस्ट. फनी, फनियर, फनीएस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. नाउ दिस विल बी हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. नाउ चिल्ड्रन, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द टेबल विद प्रॉपर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, यू कैन राइट एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यू कैन गिव द हेडिंग एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आप ये वाला हेडिंग भी दे सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर जो लिखा हुआ है वो भी दे सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.